क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है? माहौल तो क्या, आज फॉर्म भरने का टाइम है आज नजीम मुल्ला जी का, लेकिन हवा तो अवार्ड साहब की तरफ से लग रहा है मेरे को, तो माहौल उनकी तरफ ज्यादा है। हाँ, सिटिंग आमदार है पहले से। हाँ, क्या है, बेरोजगार है। मतलब किसकी हवा लग रही है? जितेंद्र अवार्ड जी की। लेकिन रोड शो तो ये नजीमुल्ला का है। रोड शो तो क्या है, आजकल बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, बीजेपी के सरकार में पैसे पाने के लिए आना पड़ता है। क्या है, तो पैसे के लिए? जी हाँ। आपको पैसा मिला है? मेरे जैसे बहुत लोग है, बेरोजगारी इतना करना पड़ता है कुछ। और इस वक्त हम मौजूद हैं महाराष्ट्र की सबसे हॉट सीट मुंबरा में। आप देख सकते हैं माहौल किस तरीके से जो है यहाँ। एनसीपी के नेता जो अजीत गुट के नेता है नजीमुल्ला, उनका यहाँ पर रोड शो है। भीड़ देखिए किस तरीके से जो है, हजारों लोगों की तादाद यहाँ मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि यह भीड़ जो है, क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? क्या लग रहा है, क्या कहेंगे, कैसा माहौल है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नजीमुल्ला बहुत आगे जाएंगे, एकदम नंबर वन पे नजीमुल्ला है। नजीमुल्ला इस समय नंबर वन पे है। कलवा मुंगरा पूरा एक हो गया है। क्या लग रहा है, किसको टक्कर, किससे टक्कर मान रहे हैं? टक्कर अवार को पीछे छोड़ रहे हैं, नजीमुल्ला अवार को पीछे छोड़ रहे हैं। हाँ, नजीमुल्ला अवार को पीछे छोड़ रहे हैं। हाँ, और भी लोग हैं और उसमें बात। क्या लगता है सर, माहौल क्या, कैसे, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा माहौल है। हाँ, जीत हो रही है? जरूर जरूर। कौन जीत रहा है? नजीमुल्ला साहब। टक्कर किससे मान रहे हैं? अवार साहब से। और अवार साहब से टक्कर है, लेकिन दोनों दावे कर रहे हैं कि इस बार हम जीत रहे हैं। देखेंगे अभी आगे, देखेंगे। हाँ, चलिए और लोग भी हैं, और लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है? माहौल तो नजीमुल्ला साहब का सही है। हाँ, और उन्होंने बहुत अच्छे भी काम करते हैं और करते भी रहेंगे। हमारा हाँ, चुनाव चिन्ह उन्हीं को वोट दिया है। हाँ, वोट हम उन्हीं को ही देंगे। चलिए और लोग भी हैं, और उससे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है? माहौल तो क्या, आज फॉर्म भरने का टाइम है आज नजीमुल्ला जी का, लेकिन हवा तो अवार्ड साहब की तरफ से लग रहा है मेरे को, तो माहौल उनकी तरफ ज्यादा है। हाँ, सिटिंग आमदार है पहले से। हाँ, क्या है, बेरोजगार है। मतलब किसकी हवा लग रही है? जितेंद्र अवार्ड जी की। लेकिन रोड शो तो ये नजीमुल्ला का है। रोड शो तो क्या है, आजकल बेरोजगारी इतना बढ़ गया है, बीजेपी के सरकार में पैसे पाने के लिए आना पड़ता है। क्या है, तो पैसे के लिए? जी हाँ। आपको पैसा मिला है? मेरे जैसे बहुत लोग है, बेरोजगारी इतना करना पड़ता है कुछ। हाँ, कौन जीत रहा है यहाँ से? मेरे को तो अवार्ड साहब ही लग रहा है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? सिटिंग आमदार है, काम भी उन्होंने किया है, भले वो हिंदू मुस्लिम करते नहीं। हाँ, मुस्लिम लोगों के लिए कब्रिस्तान वगैरह भी बनाया है, और क्या। हाँ, ऐसा बाकी पार्टी के जैसे हिंदू मुस्लिम तो नहीं कर रहे। हाँ, किसने दिया आपको पैसा, किसने दिया? वो क्या, आपको इतना डीप क्या जा रहे हैं आप जी? है मेरे जैसे है और लोग है। क्या मुद्दे है, किन मुद्दों पर आप यहाँ वोटिंग करेंगे? जैसे बाकी के जैसे पार्टी लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बेरोजगारी इतना बढ़ गया है। हाँ, अच्छा जो अभी राहुल गांधी भी अपने देश के लिए इतना कर रहे हैं। हिंदू, मतलब आपको लग रहा है कि राहुल गांधी और इनका जो गठबंधन है उसका बड़ा फायदा यहाँ देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में? अभी जैसे लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो है, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गट, उसके बाद शरद चंद्र पवार जी गट, इनका जो गठबंधन है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उन लोगों ने। तो अभी विधानसभा के इलेक्शन में भी ये जो इनका जो गठबंधन है बीजेपी वालों के साथ। आप किसको वोट कर रहे हैं? हम तो अवार्ड साहब को करेंगे भाई। ये पट्टा किसका है? ये भले इसका रहेगा लेकिन वोट अवार्ड साहब पे है। तो ये इसके, अगर आप वोट अवार्ड साहब को करेंगे तो फिर ये पट्टा क्यों डाला हुआ है? करना पड़ता है भाई पैसे पाने के लिए, बेरोजगारी तो बढ़ गया है, क्या करने का। तो आप कह रहे हैं कि पैसे लेके आए? हाँ जी। कितना रुपया मिला? वो इतना क्या करने का, आप अपने काम से ध्यान दो, पैसे का क्या करना है। किसने दिया पैसा? मिला ले हमको कैसे दे, कैमरे पे बोलिए ना, मिला है कैसे तभी मिला है। हाँ, सब बोल देंगे तो कैसे चलेगा। तो कितने आप और भी लोग हैं आपके साथ? है मेरे और दोस्त लोग हैं, हम ग्रुप बना के आए। ग्रुप बना के उमरा से ही आप? हाँ। किसको वोट किया था लास्ट टाइम? अवार्ड सबको ही किया था। यहाँ आने की मतलब पैसा कमाने के लिए यहाँ पे आए? हाँ, अभी इलेक्शन का टाइम है भाई, पैसा कमाने का टाइम है, कमा लेने का। हाँ, बार बार थोड़ी इलेक्शन आते हैं, पांच साल में एक बार तो आता है। लेकिन वो कहना कि उन्हीं के साथ थे ये अवार्ड साहब के साथ थे, नजीमुल्ला सही नेता नहीं था इसलिए पार्टी छोड़ दी। नजीमुल्ला साहब इतना ईमानदार रहते तो अपने कभी गुरु को नहीं छोड़ते। हाँ, अपने गुरु के साथ उन लोगों ने धोखाबाजी किया। हम तो सामान्य सर्वसामान्य जनता है, हमारे साथ कैसे बर्ताव करेंगे क्या पता अभी। इसे जितेंद्र अवार्ड साहब ने जैसे इन्होंने अजित पवार के साथ गए, अपना पार्टी के साथ खुद के साथ धोखा किया, गद्दार निकल गए जैसा शिंदे ने एक क्या गद्दार है। भीड़ देखिए ना, कितनी भीड़ है इनके साथ। पैसे देखे तो भीड़ कोई भी जमा लेता है। आप पैसे से देखे आ गए, भीड़ थोड़ी ना आ गई है। बहुत लोग हैं हमारे जैसे, और देख लो और लोगों से पूछ लो।
देखो क्या बोलते हैं। क्या नाम है आपका? अमान। अमान, आप भी साथ में है क्या? मतलब आप भी इन्हीं के साथ है? आपको पैसा मिला है? पैसा मिला है? नहीं। पैसा नहीं मिला है? अरे अरे मिला है ना। किसने दिया है? किसने दिया है? क्या बोल रहे हैं? कोई नहीं सर, हमें कोई भी नहीं दिया। हम क्यों बताएं सर आपको? खुद से आए? हाँ, हमें पैसा मिला। कौन जीत रहा है यहाँ से? सर यहाँ से जितेंद्र अवार्ड जीतेंगे सर। वोट है आपका? हाँ सर। पहली बार वोट करेंगे? यस सर। आप कौन लेके आए आपको यहाँ पे? सर हमें कोई दिया है पैसा, इसके लिए हम आए। हाँ। क्या करें सर, बापी पेट है सर, इसके लिए करना पड़ता है सर। क्या करें? नहीं कमाएंगे तो कैसे खाएंगे? आपको लगता है हमारे साथ जीतेंगे? हाँ सर, 100% जीतेंगे सर। पक्का है। क्यों, क्या क्या कारण है सर? क्योंकि सर हमारे मुंबई में उन्होंने बहुत तरक्की की, और जो तरक्की की है जैसे कि कब्रिस्तान बनाया हमारे मुसलमानों के लिए, हिंदू मुस्लिम वो बिल्कुल करते नहीं।